नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ABEO असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पेपर 2 के लिए इकाई 4 से शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार में मुदालियर शिक्षा आयोग 1950-52 कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन 1952 माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। इसी कारण इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। यह है लक्ष्मी स्वामी मुदालियर और इन्हीं की नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था। और इसका काम क्या था? आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने के लिए एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने तथा त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश किया था। त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, ये त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम है, इसे लाने की सिफारिश मुदियार कमेटी ने किया था। डॉक्टर A.N. वासु को इस समिति या इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था, जो देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए सभी राज्यों की सहायता लेकर के, जिसमें विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया। आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रखेंगे ये वाली डेट, 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुदालियर शिक्षा आयोग के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ मुदालियर एजुकेशन कमीशन। तो सबसे पहले इन्होंने मानवीय गुणों का विकास करना अपना उद्देश्य रखा। मानव के विभिन्न पहलुओं को देखकर उनके गुणों का विकास करना इस आयोग का उद्देश्य था। आदर्श नागरिक तैयार करना, एक अच्छे नागरिक तैयार करना इसका उद्देश्य था। भारत की तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना, जो शिक्षा प्रणाली थी उस समय की उसका अध्ययन करके उसमें सुधार लाना इस आयोग का उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में, इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध में सुधार लाना था। विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं, जितने भी समस्या थे उनका निवारण समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में तात्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके संबंध में सुझाव देना इसका उद्देश्य था। आयोग के गुण, मेरिट्स ऑफ कमीशन। आयोग के क्या क्या गुण थे? गतिविधि आधारित शिक्षा, बच्चे गतिविधि आधारित शिक्षा को ज़्यादा रोचकता से लेते हैं और जल्दी सीखते हैं। कृषि शिक्षा पर तनाव, किसी आधारित शिक्षा पर बच्चे रुचि नहीं लेते थे। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा, बाल केंद्रित शिक्षा, इन्होंने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। शिक्षक के वेतन और स्थिति में सुधार, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, बाहरी परीक्षाओं पर अधिक तनाव नहीं, बहुउद्देशीय विद्यालयों पर तनाव, उद्योगों के पास तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव। माध्यमिक शिक्षा के दोष, शिक्षा पद्धति का पुस्तकों पर आधारित होना। आपने देखा होगा कि पहले जो शिक्षा पद्धति था वो पुस्तकों पर आधारित था, कोई भी अन्य गतिविधि आयोजित नहीं की जाती थी। एक पक्षी शिक्षा का होना, पहले शिक्षा जो है एक पक्षी होता था। व्यावहारिक विषय शामिल ना होना, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संबंध अंतःक्रिया नहीं होना, ये उसके दोष थे। मूल्यांकन करना कठिन होना, पाठ्यक्रम का बोझिल और नीरस होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, कक्षा में विद्यार्थियों की ज़्यादा संख्या का होना, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लागू होना। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रारूप, माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए, इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 5 उत्तरण के बाद होना चाहिए। पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की यह अवधि 2 भागों में विभाजित होना चाहिए। पहला भाग 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा तथा
दूसरे भाग में 4 वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा। 11वीं एवं 12वीं कक्षा के इंटरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही माध्यमिक कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। कक्षा 11वीं तक पास होने वाले छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक एवं प्रावधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा पर विशेष प्रबंधन होना चाहिए। इसके साथ ही उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योग की शिक्षा का प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कुछ विशेष आवासीय स्कूल भी खोले जाए जिसमें बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाए। योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति भी दिया जाना चाहिए। नेत्रहीनों, वाक मूक बाधित व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी विद्यालयों का प्रबंधन होना चाहिए। सरकार के द्वारा उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा का विस्तार पर किया जाना चाहिए। बालक बालिकाओं की शिक्षा में विशेष अंतर की आवश्यकता ना होने पर भी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की समुचित व्यवस्था आवश्यक रूप से होनी चाहिए। भाषा के अध्ययन के लिए सुझाव। भाषाओं को पढ़ाने के लिए 5 भाषा समूह पर विचार करनी चाहिए। पहला है मातृभाषा, उसके बाद है प्रादेशिक भाषा यदि वह भाषा मातृभाषा ना हो, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी, लेटिन और फारसी, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये 5 सुझाव दिए हैं। उसके बाद विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी पाठ्यक्रम में होना अनिवार्य रखा गया है इस कमेटी के द्वारा। इसके साथ ही आयोग ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी उचित स्थान देने का सुझाव दिया है। इसलिए हमारा प्रथम भाषा हिंदी, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड भाषा जो है संस्कृत रखा गया है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो। माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अनिवार्य विषय बना रहना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है। पाठ्यक्रम के विषय मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय में भाषाएँ, सामान्य विज्ञान भाषाएँ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी है ना, उसके बाद सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, सामाजिक विज्ञान, शिल्प और शारीरिक शिक्षा, ये सभी पाठ्यक्रम के विषय हैं। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय भाषाएं, उसके बाद सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, हस्तशिल्प, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। उच्च माध्यमिक शालाओं में यह विषय होना चाहिए। भाषाओं एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव। छात्रों की सैर वागणी, प्रगति एवं उपलब्धियों को जानने के लिए समय समय पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को अभिलेखों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षा और विद्यालय अभिलेखों को महत्व देना चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति व सेवाएं। सभी विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जाए। समान योग्यता व समान काम करने वाले अध्यापकों के वेतन समान होने चाहिए। शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। उसके बाद प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रशासनिक ढांचा प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे। जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है उनमें इसका गठन किया जाए। शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है। काम के घंटे और अवकाश। एक नियम के रूप में एक स्कूल में कार्य दिवसों की कुल संख्या 200 से कम नहीं होनी चाहिए।
प्रति सप्ताह काम के घंटे कम से कम 35 अवधि प्रत्येक 45 मिनट के बारे में होना चाहिए। स्कूलों को सप्ताह में 6 दिन नियमित रूप से काम करना चाहिए। आधे दिन में से एक दिन जब शिक्षक और छात्र अनौपचारिक रूप से मिल सकते हैं और विभिन्न पाठ्योत्तर और सामाजिक परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकते हैं। आमतौर पर वर्ष के दौरान उपयुक्त अवधियों पर 2 महीने का ग्रीष्मकाल और 10 से 15 दिन का विराम होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट को वास्तव में शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है। यह भारत में शिक्षा के विकास में एक मील का पत्थर है। अपनी विभिन्न कमियों के बावजूद माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आयोग ने स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त किया है और वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया गया है। थैंक यू दोस्तों, ये था मुदालियार शिक्षा आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।